देश में पिछले 24 घंटे में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड 19 से किसी की मौत नहीं हुई और उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,46,907 हो गई, जो संक्रमण के कुल मामलों का सिर्फ 1.33% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को ये जानकारी दी। पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 16,738 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 1,10,46,914 हो गई है। अभी सक्रिय मामलों की संख्या 1,51,708 है। वहीं पिछले 24 घंटे में 11,799 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। अब तक कुल 1,07,38,501 लोग ठीक हो चुके हैं। मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 138 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है। इसके साथ ही कुल मौत का आंकड़ा 1,56,705 हो गई है। पिछले एक हफ्ते में 12 राज्यों में रोजाना औसतन 1,000 से ज्यादा नए मामले आए। इनमें महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, दिल्ली और हरियाणा शामिल हैं। मंत्रालय के अनुसार केरल और महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते रोजाना 4,000 मामले मिले। पिछले 24 घंटे में जिन 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड 19 से किसी की मौत नहीं हुई, उनमें गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, चंडीगढ़, असम, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, दमन, दीव और दादर नागर हवेली शामिल है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।